तो आज मैंने ऑर्डर कर लिया है वेजिटेरियन फूड की टॉप डिशेस और नॉन वेजिटेरियन फूड की भी टॉप डिशेस, ये फैसला करने के लिए कि भाई वेज और नॉन वेज फूड में से आखिरकार बेस्ट कौन सा होता है। ये चर्चा और इस टॉपिक का आइडिया ना मुझे आप लोगों से ही मिला था, क्योंकि कमेंट सेक्शन में जब भी मैं नॉन वेज फूड खा रहा होता हूँ ना, तो वेज वाले बोलते हैं कि भाई क्या हर वक्त नॉन वेज खाते रहते हो, कभी वेज भी खा लिया करो। अगर मैं सिर्फ वेज फूड खा रहा होता हूँ तो नॉन वेज वाले बोलते हैं कि भाई क्या हर वक्त वेज फूड खाते रहते हो, कभी नॉन वेज तो खा के देखो। तो हमने सोचा आज वेज और नॉन वेज को एक साथ मैदान में उतार दें और क्यों ना फैसला करके आपको सुनाए कि भाई दोनों में से आखिरकार होता कौन ज्यादा डिलीशियस है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। फिर भी रिव्यू शुरू करने से पहले ना आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताओ कि विच वन वुड यू प्रेफर, वेजिटेरियन फूड और नॉन वेजिटेरियन फूड। देखते हैं किसके फेवर में सबसे ज्यादा वोट्स आते हैं, मजा आएगा। तो वेज फूड का नॉन वेज फूड का पहला दावेदार है। अब नॉन वेज फूड सिंस महंगा आता है तो उतने सेम बजट में मतलब दो ही डिशेस आ पाई कंपेयर टू वेज फूड में जिसमें तीन डिशेस आ गई। अब नॉन वेज फूड की दो डिशेस कोई गेस कर सकता है? भाई बहुत दमदार डिशेस है, लेकिन वो दो ही डिशेस तीन पे भारी बढ़ने वाली हैं। गेस करके देखो एक बारी। आ, 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 समझ गए ना, बटर चिकन। यस, द वन एंड द ओनली बटर चिकन। दूसरी डिश जो मैदान में उतरी है नॉन वेज फूड की तरफ से, उस डिश का नाम है चिकन बिरयानी। Zomato की मोस्ट ऑर्डर्ड डिश ऑफ द ईयर, वर्ल्ड वाइड मोस्ट कंज्यूम्ड डिश इन नॉन वेजिटेरियन फूड वुड बी हैंड्स डाउन चिकन बिरयानी। वेज वालों का पलड़ा अगर वीक रह गया तो फिर भाई कहां का कंपैरिजन और कहां का मैं इंडिया का बेस्ट फूड क्रिटिक की अगर मैं मामला फेयर ही ना रख सकूं। वेज फूड का पहला दावेदार जो मार्केट में उतरा है उसका नाम है, ये देखो, छोले ते भटूरे। मतलब छोले भटूरे से ज्यादा बड़ा दावेदार और कौन सा हो सकता है वेज फूड का। लेकिन रुक जाओ यार, एक और डिश मंगाई है जिसका नाम है सांबर डोसा। वेजिटेरियन फूड में सांबर डोसा की भी अलग बातचीत है यार। सेम बजट में एक और डिश भी मंगाई है हमने, पनीर बटर मसाला। ओहो भाई, कसम से बता रहा हूँ, क्या चीज है, चलती फिरती कोकेन है कोकेन। भाई खाना ऐसा है कि देख कर ही मुंह में पानी आ जाए। और आज मतलब इल बी डिसाइडर, मतलब मेरे लिए भी जानने वाली बात होगी कि भाई मुझे क्या ज्यादा पसंद आता है, वेजिटेरियन और नॉन वेज। मैं आपको अपने नॉन वेजिटेरियन पने की स्टोरी बताऊ ना, तो आई वॉज अ हार्डकोर वेजिटेरियन। आप लोग मुझे देखते हो ना वीडियोज में ऑक्टोपस खाते हुए, क्रोकोडाइल खाते हुए। दिस द सेम गाय हु वॉज वेजिटेरियन फॉर आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स। आप मान लो 17-18 साल अपनी पूरी जिंदगी मैंने सिर्फ वेज खाया, क्योंकि मेरी मम्मी किसी में मानती है तो वो तो बिल्कुल नहीं खाती। She was always against it and उन्होंने हमें भी रोका हुआ था कि भाई तुम्हें भी नहीं खाना है। But कहते हैं ना, हर लड़के की जिंदगी में एक हरामी दोस्त आता है। मेरा हरामी दोस्त मेरी गर्लफ्रेंड ही निकली, एंड नाउ वाइफ। मैडम के घर में सारे नॉन वेजिटेरियन थे, तो अक्षय ने बोला ट्राई करके देख। तो हमने खाए थे मेरे ख्याल से चिकन मोमो। जब वो मेरे मुंह पे चढ़ा भाई, उसके बाद तो मम्मी रोके चाहे कोई रोके, मैं ना रोका। ऑक्टोपस को क्रोकोडाइल सभी खा लिया उसके बाद तो। चलो सबसे पहले क्या ट्राई करूं यार, सबसे पहले बिरयानी खा लूंगा ना यार। तुम्हें पता है मेरा बिरयानी की तरफ क्या रहता है थोड़ा मामला, कोकेन है कोकेन। आओ सबसे पहले सांबर डोसा ट्राई करते हैं। सांबर डोसा भी यार रियली लाइक, मतलब बिरयानी में रोज नहीं खा सकता पर सांबर डोसा में रोज खा सकता। ये मेरे को इस मामले में बढ़िया लगता है, लाइट होता है और टेस्टी होता है। सी आई डोंट यू भाई, फ्लेवर्स भी कमाल, बहुत ही लाइट और मसाले से भरपूर। पर्सनली वेजिटेरियन फूड में आई लव सांबर डोसा। नॉन वेज में हमारे पास है बटर चिकन। बटर चिकन थोड़ा चावलों में डाल के खाने का बड़ा मन है मेरा, बट ठीक है ऐसे खा लेते हैं। पानी आया ना तुम्हारे भी हरामी हो। अच्छी है, अच्छा है, मतलब डोसे के टक्कर का है, बढ़िया है। बटर चिकन बहुत टेस्टी है और डोसे के मुकाबले का तो बिल्कुल है, बहुत टेस्टी। आर यू कॉमेडी मी? अब हम ट्राई करेंगे पनीर बटर मसाला। हाँ भाई, पता नहीं क्या है, इवन इफ यू यूज द सेम ग्रेवी ना, अगर आप पनीर बटर मसाला की और बटर चिकन की सेम ग्रेवी भी यूज कर लो, तब भी चिकन के टेक्सचर में एक ऐसी बात है जो काइंड ऑफ उस ग्रेवी के साथ उस ब्लेंड को ना बहुत ज्यादा अद टेस्टी बना देती है। टेस्ट की बात करूं, बटर चिकन इज इन द लीड राइट नाउ, बट पनीर बटर मसाला स्टिल गुड। नॉन वेज के जो नहीं खाता ना, स्टिल योर ऑप्शंस आर नॉट बैड। आप कुछ बहुत बढ़िया मिस नहीं कर रहे, आप टेंशन मत लो, आपका खाना भी काफी टेस्टी। छोले भटूरे भी खा लेते हैं पहले, इसके दो आइटम है ना, छोले पूरे। मतलब फ्लेवर्स की वैरायटी देखो, छोले भटूरे, पनीर बटर मसाला, सांबर, मतलब यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। चिकन से आप क्या कर लोगे, ज्यादा कढ़ाई चिकन बना लोगे, तंदूरी चिकन बना लोगे, ये वो आर यू कॉमेडी मी?
वेजिटेरियन फूड में आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं। आज का आखिरी आइटम दैट इज द चिकन बिरयानी। And this video is not to offend anyone. यार मेरे ख्याल से vegetarians को थोड़ा open minded होना चाहिए, at least if you are not non-vegetarian. हम अपने अपने choices किसी और पर force नहीं कर सकते ना। You like vegetarian, that's good ना, but you cannot force your choices on someone else. सबके अपने beliefs हैं, सबके अपनी मर्जी है, तो भाई जो भी फैसला होता है खुले दिल से accept करना मेरे हिसाब से। भाई मेरा फैसला हो चुका है, मेरी नजरों में द क्लियर कट विनर इज नो वन। एंड बॉटम लाइन मैसेज जो मैं देना चाहता हूँ कि वेजिटेरियन फूड हैज अ लॉट ऑफ डिशेस टू ऑफर, व्हाइल नॉन वेजिटेरियन फूड हैज अ लॉट ऑफ टेस्ट टू ऑफर। मतलब अगर टेस्ट की सुपीरियरिटी की बात करो ना, तो नॉन वेज फूड हैंड्स डाउन इज द विनर। यार मेरा डिसीजन ये था, आप अपना डिसीजन कमेंट सेक्शन में बताना कि व्हाट वुड यू प्रेफर, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन फूड। नेक्स्ट वीडियो के लिए डू लीव मी अ सजेशन कि मैं अगली वीडियो में और क्या ट्राई कर सकता हूँ, किसकी बैंड बजानी है, किसका खाना मंगाना है, 5 स्टार की वीडियोस वापस लाई जाए, बता देना कमेंट सेक्शन में। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू वॉचिंग, टेक केयर गाइस, बाय बाय।